सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 13 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। It has taken from the subject mathematics. We will learn and understand the topic linear equation in one variable in this worksheet. तो आपको तो याद है कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ों को जाना था, लेकिन पिछली वर्कशीट में हमने सिंपल इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल वाली, उसको सॉल्व करना सीखा था और थोड़ी बहुत हमने वर्ड प्रॉब्लम को भी समझना सीखा था। आज इस वर्कशीट में हम इन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन बना के सॉल्व करना सीखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी कन्वर्सेशन ऑफ महिमा एंड श्वेता। महिमा आज श्वेता हर एज Shweta told that her age and the age of her brother are two consecutive even numbers and whose sum is 30. Question ko kam se kam do ya teen baar bahut dhyan se padhiyega. Now you can guess how old I am. Shweta ne kaha, jab Mahima ne Shweta se uski age puchi, to Shweta ne kaha ki uski age aur uske brother ki age दो कंजेकेटिव इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स आपको पता है जो विच आर डिवाइजिबल बाय टू, और कंजेकेटिव मतलब एक के जस्ट बाद जो दूसरा आए। तो अगर कंजेकेटिव इवन नंबर है, जैसे मान लीजिए टू है, तो उसका नेक्स्ट कंजेकेटिव क्या होगा? फोर होगा, नेचुरली बात है। लेकिन हमें ऐसे कंजेकेटिव इवन नंबर को चूज़ करना है उसकी एज के लिए जिनका दोनों को मिला के सम भी 30 होना चाहिए। तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। महिमाज गैस, महिमा ने क्या गैस किया? महिमा थॉट दैट 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। उसको लगा कि 10 इज इवन नंबर एंड द नेक्स्ट कंजेकेटिव 20, क्योंकि 10, 20, 30, 40 देखिए क्यों, और 10 और 20 को अगर हम सम करेंगे तो आएगा भी 30। लेकिन बट 10 एंड 20 आर नॉट टू कंजेकेटिव इवन नंबर्स। सिमिलरली 18 प्लस 12 आर ऑल्सो इक्वल टू 30, बट अगेन 18 एंड 12 आर नॉट टू कंजेकेटिव इवन नंबर्स। सो कैलकुलेशन बाय टीचर्स मेथड, जो उनके टीचर्स ने बताया, कैलकुलेशन डन बाय महिमा। लेट द एज ऑफ श्वेता इज इक्वल टू 2x। हम उसकी एज को 2x मान लेते हैं। 2x इसलिए मान लेते हैं कि x जो भी नंबर हो, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर आ जाएगा, बिकॉज द एज ऑफ श्वेता इज़ एन इवन नंबर, तभी तो आएगा ना। एंड द एज ऑफ हिज ब्रदर, हिज ब्रदर नहीं आएगा यहाँ पे, हर ब्रदर आएगा, द एज ऑफ हर ब्रदर। आप इसको ठीक कर लीजिए, कुछ मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे करिएगा हर ब्रदर। देन द एज ऑफ हर ब्रदर, जितनी उसकी एज होगी उसमें अगर हम 2 को प्लस कर लें। अब आप कहेंगे कि 2 को क्यों प्लस करें हम? 2 को इसलिए प्लस करें क्योंकि जब हमें एक इवन नंबर हमारे पास है, अगर हमें उसका नेक्स्ट कंजेकटिव इवन नंबर चाहिए, तो हमें जब तक हम उसमें 2 प्लस नहीं करेंगे तो वो कैसे आएगा? जैसे 4 है, अब उसका नेक्स्ट कंजेकटिव इवन नंबर कौन सा होगा? 6। तो 4 में जब तक 2 ऐड नहीं करेंगे तब तक 6 आएगा ही नहीं। इसलिए जो 2x उसकी एज है उसमें हमें 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x उसकी एज और उनका सम और उसके भाई की एज 2x प्लस 2 और इज इक्वल टू वो 30 होता है। ये सब हमें क्वेश्चन से मिला है। तो 2x प्लस 2x प्लस 2 xx वाले नंबर्स को हमें एक साथ रखना होता है। 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 तो है ही, इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेप इज 4x प्लस 2 उधर की तरफ जाएगा क्योंकि वहीं पर ही वो सॉल्व हो सकता है, x के साथ तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28, 4x इज इक्वल टू 28, तो x की वैल्यू 28 बाय 4, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, जिसके पास जिसके बीच में कोई साइन नहीं है वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई सामने जाके डिवाइड होता है। तो x इज इक्वल टू 28 बाय 4, दैट इज 7। तो द एज ऑफ श्वेता इज 2x, यानी 2
मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14 ईयर्स, और उसके भाई की एज क्या होगी 16, जो कि उसका कंजेकेटिव इवन नंबर है, और दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो आंसर क्या आएगा आप बताइए 30। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ वील अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रवीण हैज़ ₹180 इन हिज पिगी बैंक। उसकी गुल्लक में ₹180 थे। ही टोल्ड टू दक्ष दैट हिज पिगी बैंक हैज़ ओनली द कॉइन्स ऑफ 2 and ₹5। उसके पिगी बैंक में सिर्फ 2 और 5 के ही कॉइन्स हैं, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 आर द डबल ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। यानी जो उसके गुल्लक में, जो पिगी बैंक में 2 के कॉइन्स हैं, वो 5 के कॉइन्स के जस्ट डबल हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 and ₹5 इन द पिगी बैंक। आपको क्या करना है कि 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं और 5 के कितने कॉइन हैं, ये आपको पता लगाना है। तो पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है। लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इन द पिगी बैंक इज इक्वल टू एस। हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स नहीं, एस टी यू वी, जो भी आपको मानना है वो मान सकते हैं। तो हमने एस मान लिया। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 कितने होंगे बताइए। मैंने बोला उसके डबल हैं, तो जितना एस होगा उसका डबल मतलब 2s। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5s, यानी वो 5 के सिक्के हो गए 5s, और प्लस 2 into 2s का मतलब हो गया, यानी जो 2 के जितने कॉइन्स थे उसका डबल वो, और उन दोनों को मिला के, उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, यानी 5 के कॉइन्स और 2 के कॉइन्स जो कि डबल हैं, उनका जो सम है वो है 180। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, 5s 2 into 2s मतलब 4s, तो 5s प्लस 4s इज इक्वल टू 9s इज इक्वल टू 180। फिर s की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 को 9 से डिवाइड किया जाएगा, वो आ जाएगा 20। तो इस तरह से नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इन द पिगी बैंक इज इक्वल टू 20, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 इन द पिगी बैंक 2s, क्योंकि डबल है, 20 into 2 40। आप इसको वैसे भी करके देख सकते हैं, इसको ये टेस्ट भी करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देखिए, एस यानी 5 रुपीज़ के कॉइन है 20, तो 20 multiplied by 5 कितना होता है इज इक्वल टू 100, और 20 जो कॉइन्स थे वो 2 रुपीज़ के थे, वो सॉरी हाँ जो 40 कॉइन्स आए वो 2 रुपीज़ के थे, तो 40 into 2 80, तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए 180। इस तरह से हमने चेक करके देख लिया हमारा आंसर सही है या नहीं। नाउ द प्रैक्टिस टाइम, लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब आप अपनी नोटबुक बाहर निकाल लीजिए और मेरे साथ इसको करिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज, वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच देयर आर 50 questions। वीना ने एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन दिया जिसमें 50 questions से टोटल। इफ द स्टूडेंट आंसर करेक्टली 4 marks विल बी गिवन। अगर सही आंसर देते हैं तो 4 marks मिलेगा, एंड इफ द इनकरेक्टली 1 mark विल बी डिडक्टेड, और गलत आंसर करने पर 1 marks डिडक्ट हो जाएगा। इफ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड हैड अचीव्ड 80 marks, यानी वीना ने सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया और उसको 80 मार्क्स मिले। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैज़ करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय वीना। अब आपको पता लगाना है कि उसने कितने सही आंसर्स दिए और कितने गलत आंसर्स दिए। तो अब इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज जे। हम ये मान लेते हैं कि जे नंबर उसने करेक्ट आंसर उसके जो थे वो जे थे। तो इनकरेक्ट कितने होंगे, टोटल थे 50, अगर मैं उसमें से करेक्ट निकाल दूं तो इनकरेक्ट आ जाएंगे, तो वो आ गया 50 - j। इन दोनों को मिला के टोटल 50 बनेगा, ये तो हमें पता है। फिर मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4, सही आंसर के लिए 4 मिले, एंड मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 3।
टोटल मार्क्स उसको मिले 8। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4J। 4J का मतलब जितने उसने करेक्ट आंसर दिए और हर एक के लिए उसको मार्क्स मिले थे 4, प्लस 50-J जो रॉन्ग आंसर थे और उसके मार्क्स कितने थे 1। तो इन दोनों का सम 4J प्लस 1 ब्रैकेट 50-J इज इक्वल टू 80, क्योंकि उसको 80 मार्क्स मिले। तो इक्वेशन बनी हमारी ये। अब आपको समझ में आया कि 4J कहाँ से आया। 4J का मतलब जितने करेक्ट आंसर और उसके मार्क्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, 4J तो 4J ही रहेगा। तो जब ब्रैकेट हटाते हैं तो 1 का मतलब ये है 1 मल्टीप्लाई बाय, तो 1 इंटू 50, 1 इंटू जे माइनस जे इज इक्वल टू 80। फिर जे जे को एक तरफ रखेंगे, 4J माइनस 1J इज इक्वल टू 3J प्लस 50 इज इक्वल टू 80। नेक्स्ट स्टेप इज 3J, फिर ये 50 सामने राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो 80 माइनस 50 30, 3J इज इक्वल टू 30, देन J इज 30/3 इज इक्वल टू 10, यानी 30 को जब हम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो इस तरीके से जो उसने करेक्ट आंसर दिए थे वो केवल 10 दिए थे। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा आप। क्वेश्चन 2, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच वाज डिवाइजिबल बाय 7 आर 343, देन एंड फाइंड द बोथ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब आप ध्यान से समझिए कि फिर दोबारा वही आ गया, 2 कंसेक्यूटिव नंबर यानी एक के बाद जो दूसरा आ रहा है और दोनों के दोनों नंबर 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो एक सीधी सी बात है, 7 से डिविजिबल होने के लिए जो पहला नंबर है वो अगर हम कुछ भी मान लें उसके अंदर जब हम 7 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा वो भी 7 से डिविजिबल ही होगा। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टेबल ऑफ 7। 7 के टेबल में मान लीजिए एक नंबर है 14, वो 7 से डिविजिबल है। अब मुझे जो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए उसमें मैं अगर 7 को प्लस कर दूं तो जो आंसर आएगा वो भी 7 से डिवाइजिबल होगा, दैट इज़ 21। 14 के बाद तो 21 ही आएगा ना 7 जब प्लस करेंगे। सेम इसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेट द फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज एक्स प्लस 7, क्योंकि दूसरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। इन दोनों का जो सम है वो 343 होना चाहिए। ये बन गई हमारी इक्वेशन। नाउ लेट्स सॉल्व। एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 343। 2x को एक तरफ रखा, 7 को सामने लेके गए, वो माइनस का बन गया। देन 2x इज इक्वल टू 343 माइनस 7 336। देन x की वैल्यू आ गई 336 डिवाइड बाय 2, दैट इज 168। अब इसकी वेरिफिकेशन भी हम करके देख लें। अगर फर्स्ट नंबर इज 168, द सेकंड नंबर इज x प्लस 7, दैट इज 168 प्लस 7 175, और ये दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो 7 से डिविजिबल हैं, तो हमारा आंसर राइट होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।